नमस्कार। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को लेकर सबसे बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल शाहरुख के बेटे को जमानत नहीं मिली है। शाहरुख की पत्नी गौरी का आज जन्मदिन है। उन्हें उम्मीद थी कि बेटे को जमानत मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बता दें, किला कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई हुई, जिसमें एनसीबी और आर्यन के वकील ने अपने अपने पक्ष रखे। आर्यन खान का केस फेमस वकील सतीश मानशिंदे देख रहे हैं। आर्यन खान के वकील सतीश मानशिंदे ने कोर्ट के सामने जो दलील पेश की, उसके मुताबिक आर्यन के खिलाफ सबूत नहीं है, फिर कस्टडी क्यों? आर्यन खान के ऊपर पहले कोई भी क्रिमिनल केस नहीं है, उनका बैकग्राउंड चेक किया जा सकता है। वो 23 साल के एक लड़के हैं जिनको एज अ गेस्ट वहां बुलाया गया था। उनके बैग को चेक किया गया, उसमें भी कोई ड्रग्स नहीं मिली। उनको जब भी बुलाया जाएगा वो वहां पर पेश हो जाएंगे। उनका सारा डेटा एनसीबी के पास है। सतीश मानशिंदे ने कहा कि इतने दिन में आर्यन से ठीक से पूछताछ भी नहीं की गई है। ये दलीलें पेश करने के बाद सतीश मानशिंदे ने उनकी बेल की मांग की, जिसे रिजेक्ट कर दिया गया। दूसरी तरफ एनसीबी के वकील लगातार न्यायिक हिरासत की मांग पर अटके रहे, जिसको आखिरकार कोर्ट ने मान लिया। आपको बता दें, किला कोर्ट ने इस जमानत याचिका को खारिज किया है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे सेशन कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल कर सकते हैं। बता दें, आर्यन और पूरे परिवार के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है। आर्यन को 2 अक्टूबर की रात एनसीबी ने क्रूज से पकड़ा था। यहां पर एक रेव पार्टी चल रही थी, ड्रग्स का सेवन हो रहा था, और इसी बीच एनसीबी के अधिकारियों ने छापेमारी कर आर्यन समेत 8 लोगों को हिरासत में ले लिया था। इसके बाद आर्यन और उनके दो दोस्त अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेजा को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। इसके बाद इनकी जुडिशियल कस्टडी को 14 दिन के लिए बढ़ा दिया गया था। हालांकि इसी बीच कोर्ट ने शुक्रवार को आर्यन की जमानत याचिका पर सुनवाई की और इसे खारिज कर दिया। इस पूरे मामले ने अब राजनीतिक मोड़ भी ले लिया है। कहा जा रहा है कि आर्यन को फंसाया जा रहा है। खैर, सवाल बहुत हैं, दावे बहुत हैं, और इन सब के बीच एक सच ये भी कि आर्यन को जमानत नहीं मिली। इस मामले में जो भी अपडेट आती रहेगी आप तक पहुंचाते रहेंगे।